but this ये रहा एक अनुपात दस का स्केल निकालो ठीक है ये है एक अनुपात चार है बेटा ये है एक अनुपात दस ठीक है इससे हम स्केल नंबर तेरह बनाएंगे हैं स्केल नंबर तेरह में क्या है दिखाओ एक बार स्केल नंबर तेरह ये है स्केल नंबर तेरह ठीक है चलो अब अनिल इसको शुरू करेगा बिल्कुल यहीं पे बल्कि अनमोल तो इसको पकड़ लेगा रस्सी से टांगा तो बोलना तो नहीं जी हाँ बोलना है बिल्कुल जी मैं बोलने में मैं बोल दूंगी कोई बात नहीं टेंशन ना ले तुम सुविधा नहीं सबसे पहले हम क्या बनाएंगे पता जी बॉर्डर जोर से बोल बॉर्डर लेने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर साइज चाहिए क्या हमें कि कितने साइज का बॉर्डर लेना बता हम एक साइज का किसी भी एक साइज का वैसे हम डेढ़ या ढाई तो नहीं डेढ़ या एक इंच का हम ले सकते हैं ना जी बॉर्डर इतना लेना चाहिए कि जब उसकी लंबाई चौड़ाई और ये सब अगर लिखना हो तो हमारे पास ऊपर या साइड में इतना स्पेस हो कि उस पर हम आराम से लिख लें अब हमने जो बॉर्डर छोड़ा है ना वो इतना कम है बॉर्डर कि उसमें लिख नहीं पाएंगे अच्छे से लिख तो देंगे ओच पोच हो जाएगा समझ नहीं आएगा जिस वाले हम लेंथ लेंगे अब अनमोल भाई इसको दिखा ये कौन सा क्या बना रहे हैं हाँ इसमें क्या दे रखा है देखो सम्मुख पार्श्व व ऊपरी दृश्य बनाना है जिसमें एक पॉइंट एक अनुपात दस का हमने स्केल लेना है अभी इस मेजरमेंट इसने सारी दे रखी है 107 ये लंबाई है इसकी है ना और जी हाँ अच्छा 99 नीचे है इसकी किन को काट के जब ये ऊपर हासिले निकले हुए हैं ना इनको काट के तो हम लंबाई ले रहे हैं तो कौन सी लंबाई लेंगे बता मैम लेंथ जी हम ये लेंगे 107 अच्छा जी और हाइट लेंगे मीटर जी और हम यहाँ लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर देंगे ठीक है कितना है 107 और कितना क्या हुआ 151 गया 107 और जी 51 प्लस 51 बराबर हो गया 158 हाँ जी ठीक है अब टोटल मेजरमेंट 101:10 में टोटल मेजरमेंट ले लिया 157 है जी 158 अब देख हमें प्रॉब्लम आ रही है ना कम हाशिया लिया तो प्रॉब्लम ज्यादा हाशिया थोड़ा ज्यादा ले लेते तो प्रॉब्लम नहीं आती हमें है ना 158 गलत है ये तो इतना कम कैसे लिया तो नहीं 158 एक पॉइंट ठीक है कहाँ 158 मैम ये दो दो के उसमें है हाँ ठीक है मैंने उन्हें किताब भी आनी चाहिए हाँ वो हो गया जैसे तुम कहो वैसे करूँगा कल तो एयरपोर्ट हो गया कल तुम्हारी बारी है Thank you.
ये तो टाइम बताएगा। अब बचे हुए हिस्से को इक्वल थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। थ्री पार्ट्स में अब उल्टी तरफ भी नीचे भी सेम जा रहा है। देखो करवाओगे मैम? अब तो क्लास चल रही बेटा। मेरा बस्ता कहाँ गया फिर वो मेरा? अच्छा तो रोटेड लाइन क्यों ले रहा है भाई? मैम ये हमारी पक्की लाइन नहीं है कि हमें जरूरी लेनी है ये। ठीक है अब आस लाइन है, बस हमने अंदाजा लेना है। हाँ ठीक है। अच्छा तो मेरे को ये होता है तो नहीं इधर उतना ही क्यों लिया जी? इधर मैम इतना ही स्पेस हम इधर छोड़ेंगे, इतना ही इधर छोड़ेंगे और बीच में भी हम उतना ही स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि हम तीन हिस्से किए ना, जो उसका एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा और एक बीच में आ जाएगा, तो हमारा वो मतलब बराबर की दूरी में रहेगा। हाथ मारे जा रहा है स्पीड। 6 मिनट हो गए थी। 6 मिनट हो गए चुपना ड्रा। अभी ये तो कितना ले रहा है? 107? 107 मैम। ये तो इक्वल थ्री पार्ट में से जो बचा हुआ था वो है ना जी, ये इसके बीच का हिस्सा है। अब हम इधर से लेंथ लेंगे, इधर से यहाँ से हमने यहाँ से 107 ले लिया हमने। अब जब ये तीन हिस्से बचे हुए थे उसमें से ये पार्ट कौन सा है जो ये वाला निशान लगाया, ये कौन सा है? ना ये तो हमारी ब्रेथ है। अब जो हिस्सा हमारे साइड वाला है ना वो अपने आप बीच में आ जाएगा। ठीक है ब्रेथ कितनी है जिसकी? क्या बात क्या निशान पे तू लाइन लगा देता? ठीक है तो हमारे मेजरमेंट में कितना फर्क आता है या हमारे स्केल में कितना फर्क आता है? गलत हो जाती है सही से हम ज्यादा गलत नहीं होती, थोड़ा बहुत जी फर्क आ जाता जी। जी वो हिस्सा बीच में चले जाता, लेकिन ज्यादा और थोड़ा क्या, गलत तो गलत ही होता है नंबर तो फिर भी कटने से जी। गलत तो गलत होता है ना फिर। हाँ तुम बना लो। पवन मुंह में मत ले बेटा इसको, गीला हो जाएगा फट जाएगा। देख अब माइनर से इधर हो गए मैम, मेरे को ये पहले टेढ़ी लग रही है मैम कुछ है ना, मेरे को भी लग रही है लाइन टेढ़ी। मेजर कर एक बार इसको सही है, टेढ़ी है जी ये है ना, टेढ़ी लग रही है ये ऊपर से है जो टेढ़ी। हां मैम ये तो यहां से क्या बन रही है थोड़ी सी है बेटा, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है फिर यही ठीक है। ठीक है अच्छा एक तरफ का हो गया, अब दूसरी तरफ है। हाँ जी ब्रेथ प्लस हाइट। इक्यावन प्लस तिरासी प्लस 134 लिखा जी हमने। 134 ही है बेटा ये क्या? वैसे अनमोल तो घूम के इधर बराबर में आ जाए। हटिए बैग बैठा ले भाई अपना।
टाइम लगा लेता मैम, फिर स्केल छोटा पड़ता है मैम। अब देख मैं यही बताती हूँ कि तुम इतनी बड़ी बड़ी ऐसे करके ये लाइनें लगाते हो ना, जब हम निशान लगाते तो हमें पता ही नहीं चलता। मैम ये तो मिट जाएगी ना, हमें एक दोबारा एक लाइन लगानी पड़ेगी। ऐसे डॉटेड लगा दो ना बेटा, डॉटेड डॉट 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 डॉट। मैम बहुत टाइम लग जाता है जिसमें डॉटेड लाइन। हाँ जी अभी स्केल पे क्यों ले रहा है इसको जी, इस वाले स्केल पे क्यों ले? मैम वो तो मैं इसको नाप करने के लिए। हाँ जिसको नाप रहा हूँ मैं कि ये कितना है उस हिस्से में डिवाइड हो सकता है। थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा कम लेंगे इन दोनों के बीच में। हाँ इनके बीच में जाएंगे। चाहता तो इसके अंदर से ये डॉटेड लाइन ले सकता था मैम, फिर जी अब वो हमें फिर भी लेनी पड़ेगी। मैम ये पावा है और इसके आगे का ये बोर्ड है उसकी। हाँ देख पावे से आगे की ये कह रहा है कि चार है ये, ऐसे करके ना ऐसे करके चार है और ये जो मोटाई है ये 2 सेंटीमीटर है जी। चार
ये चार है, पावे से उधर चार है और मोटाई है ना इस बोर्ड की मोटाई जी वो दो दो है। अब देखिए पावा पावे के इधर से एरो है बेटा ये जी, ये यहाँ से है, यहाँ से नहीं है ये, देख ये जी चार है। हाँ जी यहाँ से देख ये एरो रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो चार है। हाँ जी ठीक है। और ये वाला दो है, ये है ये 76 सेंटीमीटर है जी। अपना अपना काम करो ना बेटा ना, गलत बात पेपर डिवाइड अगर तेरा ये कर देगी फिर बच क्या गया, फिर क्या करेगी तू बता। पेपर डिवाइड करना मस्त है, सीख उसको। हाँ 10 होंगे रख दे। अगर तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो कि कौन से उससे बनाना है तो उसी से बनाना है, नहीं दे रखा तो बना देना। अरे यार तो ये माइनर माइनर से डिफेक्ट रह जाते हैं ना। क्या करना है, अरे उसे समझ ले ज्योति से। चल रुक जा फिर अभी जब तक बनता नहीं है। ज्योति ज्योति बेटा जा उसकी हेल्प करके आ, अजय की, अजय की हेल्प करके आ। ये कितना है, ये भी चार है, चार चार के पावे हैं क्या इसके। हाँ जी ठीक है, इसको करके एलिवेशन को कंप्लीट करके फिर दूसरी शुरू कर दे। दूसरी स्केल नहीं दूसरी स्केल। अच्छा जी वीडियो एबल बन जाएगा एलिवेशन, एलिवेशन मैम हो गया बस। एलिवेशन के साइज लिख हां जी ये
एक लाइक मिल गया तुम्हें। ये देखना 76 प्लस 4 ऊपर का दो आएगा ना मैम, ये दे मैम पूरा दे रखा यहाँ पे। अच्छा यहाँ तक दे गई। हाँ जी हाँ, तो 76 सेंटीमीटर जी। और हाँ ये देख, ये अंदर का कितना है, बाहर का कितना है, बचेगा।